सो दिस इज़ रैपिड व्हाट्सएप, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे बेसिकली आप किसी को भी टेक्स्ट कर सकते हो विदाउट सेविंग नंबर, राइट? तो अगर आपको किसी को आपको अगर किसी को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है वो भी बिना नंबर सेव किए, सो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। तो यार हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट की थी ऑलरेडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। आप जिनसे भी चैट ऑन व्हाट्सएप करोगे उनका जो पूरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री इन द सेंस लाइक जो नंबर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ऐड द डिलीट ऑप्शन एज वेल, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिलीट दी हिस्ट्री, डिलीट दी एंटायर कॉन्टैक्ट्स एंड सो ऑन, राइट? सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के लिए करेंगे, क्योंकि लाइक ओवरऑल हिस्ट्री को डिलीट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेट मी शो यू लाइक हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। मैं जल्दी से वीएस कोड में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि लाइक मैं हिस्ट्री कहाँ दिखा रहा हूँ। सो लाइक मैं टर्मिनल पे सर्च करने के बजाय यहाँ पे सर्च करूँगा, तो इस जगह पे मैं हिस्ट्री पे जाऊँगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह हिस्ट्री लिखा हुआ है। सो लेट्स सी आई गेस, हाँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हिस्ट्री दिखाई हुई है। तो इस जस्ट इन 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 द सेम पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने लाइक पैराग्राफ में हिस्ट्री दिखाई हुई है। इसके बाद ही हम एक बटन बना सकते हैं, सो आई विल से लाइक बटन डॉट बी टी एन डॉट बी टी एन डेंजर, बीटन आउटलाइन डेंजर। मैं इसे रेड इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि डेफिनेटली लाइक अगर आप डिलीट करें लाइक यू वोंट बी एबल टू रिकवर इट एट ऑल। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स सी वेदर वी गेट दिस रेड थिंग और नॉट। तो हमारे पास ये डिलीट आ गया है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिलीट मैं यहाँ पे एक आइकॉन लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे जल्दी से मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और हमारे पास एक आइकॉन्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपको सिंपली जाना है और आप सर्च कर सकते हैं ट्रैश या फिर डिलीट जैसा कुछ। मुझे लगता है ये आइकॉन ज़्यादा सही रहेगा, सही ये हम यूज़ कर लेते हैं और इसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा और जहाँ पे मुझे इसको रखना है उस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम लिख दूंगा मैं। इस प्रोग्राम का पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे, तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से सेव कर लेता हूँ एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स राइट नाउ। ओके सो इट दिस सीम्स गुड फॉर मी, राइट? मैं इसको अगेन लाइक बीजी डार्क कर सकता हूँ या फिर लाइक बीटीएन डार्क कर सकता हूँ टू मेक दिस मच मोर बेटर, बट आई डोंट नो लाइक हाउ गुड इट विल लुक। तो मैं यहाँ पे अभी अभी के लिए इसको ऐसा रखना चाहूँगा। एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन को एकदम राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लोट एंड, तो आई गेस देन इट विल लुक मोर बेटर। सो यहाँ पे फ्लोट एंड लिख दूंगा एंड हाँ सो दिस लुक्स एक्चुअली मच मोर बेटर। और यहाँ पे फ्लोट एंड लिखने के बाद मैं और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्चुअली पैराग्राफ के बजाय H4 या H5 यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो भी है ये हेडिंग बड़ा हो जाएगा तो इट वुड बी फाइन। वन मोर थिंग, यहाँ पे हम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो मैं इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहूँगा, तो मैं इसको स्पैन टैग के बीच में लिखूंगा और पूरी इस पूरी हिस्ट्री को एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद इस जगह पे मैं फ्लोट स्टार्ट कर दूंगा। सो लाइक क्लास नेम फ्लोट स्टार्ट, आई डोंट नो कि ये कैसा दिखेगा बट अभी के लिए हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर देते हैं। मुझे लगता है बीच में ही सही था बट ओके लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट लाइक दिस एज ऑफ नाउ। मे बी लाइक थोड़ा पैडिंग हम डाल सकते हैं, सो PX3 और समथिंग, इससे थोड़ा पैडिंग आ जाएगा तो शायद अच्छा लगे। हाँ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। सेम टू सेम चीज़ हम सेव सेव्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास डिलीट ऑप्शन रहे यहाँ पे और ताकि हम पूरे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकें। तो विथाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम मैं यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा हमारे सेव्ड कॉन्टैक्ट्स में भी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को फेस कर दूंगा। आई होप आई ओके सो मैंने कुछ गलती की है, जल्दी से मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपी करनी है बट मैंने सारी चीज़ें कॉपी नहीं की, तो कहाँ पे था वो मैं भूल गया। ओके हिस्ट्री इज हियर राइट हियर, तो हाँ मुझे H4 के साथ ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो मैं H4 के साथ यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो इस पैराग्राफ की जगह ये पेस्ट करूंगा और नाउ यू कैन सी ओके सो वी डिड समथिंग रॉन्ग राइट हियर। क्यों ऐसा हुआ, लेट मी चेक। सो यहाँ पे हमने H4 रखा है एंड देन वी आर यूजिंग डॉट मैप, वाई इज इट कमिंग ऑन द सेम लाइन, वाई दिस अननोन इज ऑन द सेम लाइन, लेट मी चेक वेरी क्विकली राइट हियर। तो यहाँ पे यार जो हमारा हिस्ट्री है उस जगह पे हमारे पास ये H4 टैग है, देन वी आर रिटर्निंग दी ए टैग्स विच आर डेफिनेटली ऑन डिफरेंट लाइन। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई, लेट मी चेक वेरी क्विकली। तो यहाँ पे यार हमारे पास एक column 6 है जहाँ पे हमारे पास एक H4 है जो एकदम टॉप में होना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके। तो यहाँ पे विड्थ की वजह से मे भी, तो मैं सबसे पहले यार इस चीज़ को हटा दूंगा। आई रियली डोंट वॉन्ट दिस इन लाइन CSS एज ऑफ नाउ।
तो मैं इसको हटा दूंगा, और हटाने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है ये। इट इज स्टिल द सेम। मैं यहाँ पे जो विड्थ है उसे 100% दे दूंगा, सो डब्ल्यू हाइफन 100 वुड बी फाइन इंस्टेड ऑफ 199। वेल, अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू हाइफन यूज कर रहे हो तो आप 2550 7500 ही यूज कर सकते हो, नॉट ऑल ऑफ देम, राइट? तो दिस लुक्स मच मोर बेटर। एक और चीज मैं सोच रहा था कि मैं इसे वाइट कर दूं, बिकॉज वाइट विल लुक मच मोर बेटर विद दिस कॉम्बिनेशन, आई गेस सो, राइट? तो हम इसे वाइट रख सकते हैं अभी के लिए। आई गेस सो, दिस लुक्स मच मोर बेटर टू मी। आई डोंट नो, लाइक आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, चैट इज फाइन, देर इज नो इशू विद दिस। और हाँ, लाइक दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। और आई शुड मेक दिस बट, तो यहाँ पे यार इस वीडियो में मैं थोड़ा यूआई में भी चेंज ला रहा हूँ, बट लाइक इट इज नेसेसरी। आई डेफिनेटली पुट लाइक मेक दिस डिलीट ऑप्शन वर्क वेरी इजिली। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट वी क्लिक हियर ऑन दिस बटन, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और इस फंक्शन में मुझे सिंपली एक चीज़ करना है। ओके, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे। तो इस फंक्शन में मुझे एक चीज़ करना है बेसिकली, और वो ये है कि सबसे पहले मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करूंगा। सो लेट्स राइट लोकल स्टोरेज। ओके, ऑटो कम्प्लीट ऑप्शन इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में मैं जो हिस्ट्री है उसे पूरा एम्प्टी कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं इन कोटेशंस एक एम्प्टी एरे को डाल दूंगा। एंड इफ आई ओके एंड एंड विद दिस मैं एक और चीज़ करूंगा, और वो ये है कि मैं कॉल कर दूंगा हमारे इस पर्टिकुलर सेव कॉन्टैक्ट्स में नहीं, बट सेव हिस्ट्री को मे बी, या फिर सेव हिस्ट्री नहीं, तो हमारे पास एक चीज़ एक फंक्शन होना चाहिए जो कि हमारे यू स्टेट को चेंज करे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री को लोड कर दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक यू स्टेट होना चाहिए जो पूरी हिस्ट्री को कंटेन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, करंट हिस्ट्री जो है हमारे पास है एक पर्टिकुलर वेरिएबल। साथ ही साथ ओके, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को चेंज कर दूंगा। तो उसी ऑन क्लिक के अंदर जल्दी से मैं देख लेता हूँ मैंने लास्ट चेंज कहाँ पे लाया था, यहाँ पे। तो सिंपली इस जगह पे, इस लाइन के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री डॉट सेट, और बेसिकली मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर सकता हूँ, बट मैं इफ आई नो लाइक इट इज़ ऑलरेडी क्लियर, सो मैं यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दूंगा। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक इशू आ रहा है, वो इट्स इज लाइक इट इज़ नॉट देयर। सो सेट, आई गेस इट इज सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, सो वेरी सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा एंड आई विल से सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, सेव इट, इट वर्क्स, और आप देख सकते हैं पूरा डिलीट हो चुका है, राइट? इवन इफ आई रीलोड इट वॉन्ट अपियर एट ऑल। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एवरीथिंग एल्स इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो चैट ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ पे आएंगे। ओके, सो हिस्ट्री इज नॉट अपियरिंग एट ऑल, आई विल रिफ्रेश इट। तो हिस्ट्री हमें दिख रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब भी मैं चैट फंक्शन ऑन चैट को कॉल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ हिस्ट्री सेव कर रहा हूँ, राइट? सो विच इज़ फाइन एक्चुअली। सो जब मैं हिस्ट्री सेव कर रहा हूँ, वेर इज सेव हिस्ट्री, यहाँ एट द वेरी एंड में हमारे सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से उसको चेंज कर लूँगा, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हटाऊँगा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को लिख दूंगा सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इस जगह पे मैं उसका नाम लिख दूंगा विच इज़ नथिंग बट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, और अब सेव करूँगा, इट शुड वर्क नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, और इफ आई क्लिक ऑन चैट ऑन व्हाट्सएप, कम बैक हियर, ओके, सो देर इज अ प्रॉब्लम, इट्स इज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। इट इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ ओके। सो ओके ओके, लाइक आई गेट इट नाउ। सो अगर हम लोकल हिस्ट्री से कोई लोकल स्टोरेज से कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू पास इट इन टू जेसन फॉर्मेट। सो जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर में ये पूरी चीज़ डाल दूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आई सेव दिस एंटायर थिंग, मुझे लगता है एक और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना होगा। आई सेव दिस एंटायर थिंग एंड नाउ एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम, क्योंकि हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। हमें इंडिविजुअल डिलीट ऑप्शन भी ऐड करना है, सो इट इज़ गेटिंग एडेड ऑटोमेटिकली नाउ। और अगर डिलीट किया, सो एवरीथिंग इज डिलीटेड, रिफ्रेश, सी देयर इज नथिंग एट ऑल।
आई होप यू अंडरस्टूड लाइक एवरीथिंग अप टू दिस पॉइंट। और अब हमें सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो हमने यहाँ पे किया वो चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, राइट। सो सेव कॉन्टैक्ट्स इज ऑलरेडी वर्किंग, बट लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डिलीट द एंटायर कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने हिस्ट्री में किया, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हम सबसे पहले ऑन क्लिक बटन लगाएंगे, सेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं, इस जगह पे जो H4 है यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक लिखेंगे। सो सिंपली ऐसे ऑन क्लिक शुड बी एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरे लोकल हिस्ट्री को डिलीट करूँगा। सो आई विल से लाइक लोकल स्टोरेज, ओके अगेन लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में मैं सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को रिमूव करूँगा। सो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, आई होप दिस इज द नेम दैट आई हैव गिवन, और सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को मैं एंटायरली एम्प्टी कर दूंगा, सो इन कोटेशंस स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट मीन्स अब वो कुछ भी कंटेन नहीं करते एट ऑल। और इसके बाद मैं जो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स का यूज सेट है उसे अपडेट कर दूंगा, एंड आई विल मेक इट लाइक नथिंग। सो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स का जो सेट सेव कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए कुछ, लेट मी चेक वेरी क्विकली, मैं स्प्लिट करूंगा सो दैट आई डोंट लूज द पोजिशन ऑफ कोड। वेयर आई एम, आई विल क्लोज दिस वन यूजिंग कंट्रोल भी। अब यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर कॉन्टैक्ट्स एक्चुअली इज द यूज सेट नेम, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर कॉन्टैक्ट्स, सेट योर कॉन्टैक्ट्स, वेरी सॉरी। सो यहाँ पे सेट योर कॉन्टैक्ट्स को मैं एंटायरली एम्प्टी कर दूंगा। सेव करेंगे इस प्रोग्राम को, और अगर अब मैं दिखाऊँ आपको, सो दिस इज फाइन, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस डिलीट ऑप्शन एवरीथिंग इज डिलीटेड, इफ आई रिफ्रेश इज नथिंग। लेट्स ट्राई टू सेव अ नंबर, तो यहाँ पे मैं एक नंबर डालूंगा, और वैलिड नंबर डालने के बाद मैं लिखूंगा फर्स्ट, आई विल क्लिक ऑन सेव, इट इज गेटिंग सेव्ड राइट हियर। तो यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे हिस्ट्री की जगह योर कॉन्टैक्ट्स लिखूंगा मैं, तो लेट्स क्विकली डू इट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर कॉन्टैक्ट्स और सेव, और ये वर्क कर रहा है, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज आई डोंट रियली लाइक दिस बटन टेकिंग अप लाइक द एंटायर स्पेस राइट हियर, तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 50% विड्थ दूंगा, मे बी इस पूरे डिवीजन को थोड़ा सा पैडिंग दूँ, देन इट विल लुक मच मोर बेटर। लेट्स ट्राई दिस, तो मैं लिखूंगा P-2 और सेव करूंगा। या दिस माइट मेक इट मोर बेटर, आई गेस दिस इज मच मोर बेटर इन लाइक आई थिंक सो, और इसलिए यार अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए जो थीम है वो वाइट ही रखना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ लाइक ये कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा पास है इस पूरे कार्ड के, तो यहाँ पे मैं H4 में ही दे दूंगा, जो हमारा H4 है। यहाँ पे एक क्लास नेम दूंगा, और आई विल से लाइक PY शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3, एंड द सेम थिंग आई विल अप्लाई इन दिस H4 एज वेल। आई विल से लाइक क्लास नेम PY-3, दैट सेव द एंटायर प्रोग्राम। और अब थोड़ा सा ओके, लाइक वी डिड समथिंग रॉन्ग हियर, लाइक व्हाई देयर इज ओके वेट I will put BG warning just as of now in order to check. Okay, तो यहाँ पे ये एक problem है, ये PY3 डालने की वजह से it is getting out of the entire H4 tag, which is not good at all. Let's remove, instead of PY, let's try to use MY. Maybe this can help us. Not very sure how it is going to work, but let's try this. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, MY-3 कर दूंगा, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, इट इज़ वर्किंग इन द सेम मैनर। तो अब बेटर यही होगा कि लाइक वी शुड एक्चुअली अप्लाई पैडिंग टू दिस कार्ड्स डेट वी आर एक्चुअली डिस्प्लेइंग। मुझे लगता है उसमें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट वाई इज़ इट नॉट वर्किंग, नॉट वेरी श्योर। तो मुझे लगता है पर्सनली कि लाइक वी कैन मेक दिस H4 एज डिवीजन, दैट विल बी मच मोर बेटर। और यहाँ पे हाँ, डेफिनेटली दिस विल टेक टाइम टू, तो यहाँ पे भी मैं क्लोजिंग डिवीजन रख दूंगा। और हाँ, और अब मैं अगर सो अभी भी लाइक ये वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स ट्राई टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर। सो आई विल से लाइक BG-warning एंड सेव इट। सो आई गेस आई नीड टू रिफ्रेश दिस एंटायर थिंग। सो BG-warning इज नॉट विजिबल एट ऑल ऑन दिस डिवीजन दैट आई जस्ट क्रिएटेड, आई डोंट नो लाइक फॉर सम रीजन। कोई इसमें कोई इशू नहीं यार। What we can do is let's remove this margin and other things, or instead of all this we can also use a simple VR tag also, not highly recommended, but let's see. As of now I won't do a lot of things on UI, or yahan pe ye jaldi change nahi ho raha hai. Ha, save karenge, aur
अभी के लिए मैं ऐसे ही रहने रहूँगा, मे बी लाइक आफ्टरवर्ड्स आई विल चेंज इट। तो किसी किसी अगर आपको पता है रीजन, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प मी अलॉट मे बी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे सेव कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं और हम यहाँ पे चैट पे क्लिक करके उससे चैट कर सकते हैं। वी कैन डिलीट दी एंटायर कॉन्टैक्ट्स, बट वॉट अबाउट इंडिविजुअल आइटम्स? अगर हम इंडिविजुअली लाइक किसी नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैंने क्लिक किया चैट ऑन व्हाट्सएप, वो नंबर यहाँ सेव हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या, या फिर यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डिलीट ऑप्शन रखना चाहता हूँ तो क्या? इन दैट पर्टिकुलर केस लाइक वो चीज़ हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो स्पेस है वो प्रॉपर है, सिर्फ कार्ड्स में नहीं है। लेट्स ट्राई टू सेव वन मोर नंबर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेव कॉन्टैक्ट, यहाँ पे स्पेस है बट देर इज नो स्पेस ऑन टॉप, लेट्स सी वाई। तो मैं यहाँ जल्दी से आऊँगा और जो रिटर्न किया है मैंने इस जगह पे इज एक्चुअली अ डिवीजन, और यहाँ पे मैंने मार्जिन बॉटम यूज़ किया है एंड दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे मैं एम वाई यूज़ करूँगा और 3 की जगह मैं 2 कर दूंगा इसे, सो दैट लाइक उनके बीच में ज़्यादा गैप ना रहे और साथ ही साथ ऊपर भी थोड़ा सा गैप हो। ओके, सो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्जिन मीन्स लाइक मार्जिन टॉप एज वेल। लेट्स ट्राई टू अप्लाई मार्जिन टॉप, सेव इट एंड स्टिल मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं होता, राइट? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आए बिटवीन दीज टू थिंग्स, बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट एनी हाउ ड्यू टू सम रीजन। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है। वी विल सी लाइक व्हाट्स द इशू एंड वी विल फिक्स इट आफ्टर वर्ड्स। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। मैं जल्दी से देखूंगा कि क्या क्या इशू है यहाँ पे। सो हियर इन दिस केस वी हैव ए टैग और यहाँ पे मैं एम वाई मार्जिन एम वाई 2 यूज़ कर रहा हूँ। सो लाइक आई शुड यूज़ द सेम थिंग हियर एज वेल। सो मैं यहाँ पे एम वाई 2 यूज़ करूँगा और रिफ्रेश करते हैं, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल फॉर सम रीज़न। मैंने क्योंकि P2 डाला हुआ है, मे बी उसकी वजह से। लेट्स रिमूव P2 एंड सी इज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस वन नॉट। ओके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो P2 तो डालना चाहिए क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे आने वाले वीडियो में, सिंपली हम इंडिविजुअल आइटम्स को डिलीट कर सकें ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जो जो काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।